नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे आसपास अगर कोई बच्चा गिर गया है और उसका दांत टूट गया है या फिर निकल गया है, तो हमें ऐसे केस में क्या करना चाहिए, या हमारे घर में ही कोई बच्चा गिर गया और उसके दांत पे चोट लगी है तो ऐसे केसेस में हमें क्या क्या करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अक्सर बच्चे बाहर खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं या किसी और एक्टिविटी के दौरान वो गिर सकते हैं, और गिरते ही सबसे पहले इंजरी होती है हमारे एंटीरियर टीथ में, यानी कि हमारे आगे के दांतों में। तो ऐसे केस में काफी बार होता है कि दांत जड़ समेत ही पूरा निकल गया है, या फिर आधा दांत टूट गया है, या फिर काफी बार दांत अंदर मसूड़े के अंदर पूरा चला गया है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या-क्या करना है? तो सबसे पहली बात आती है कि अगर आपके बच्चे को चोट लगी है और उसका दांत पूरा जड़ समेत निकल गया है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि वो दांत आसपास कहाँ गिरा है। तो उस दांत को हमेशा उसके क्राउन स्ट्रक्चर से पकड़ना है, यानी कि जो हिस्सा हमें बाहर दिखाई देता है वहां से पकड़ना है। कभी भी उसकी रूट को टच नहीं करना है, क्योंकि अगर अपन रूट को अगर टच करते हैं तो उसमें एक बहुत माइन्यूट से पेरोडोंटल फाइबर्स होते हैं, उनको डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और अगर उसके ऊपर डस्ट चिपक गई है या वो गंदा हो गया है, तो आप हल्के से पानी से उसको वॉश कर सकते हैं। कभी भी कपड़े से या ब्रश से उसको रगड़ के साफ नहीं करना है। और आपको 1 घंटे के अंदर अंदर, यानी 60 मिनट से पहले पहले अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करना है, क्योंकि जब भी दांत अपने सॉकेट से बाहर निकल जाता है तो जो उसके आसपास फाइबर्स होते हैं, पेरोडोंटल फाइबर्स, वो लगभग 60 मिनट्स तक वायबल रहते हैं। मतलब कि अगर विद इन 60 मिनट्स हम अपने डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं तो उस दांत को वापस उस सॉकेट में प्लेस किया जा सकता है। अब बात आती है कि उस दांत को हम डेंटिस्ट तक कैसे लेके जाएंगे। या तो आप उस दांत को एज इट इज उसके सॉकेट में प्लेस कर दीजिए, पर अगर आप उसको सॉकेट में नहीं प्लेस कर पा रहे हैं तो आप उसको या तो दूध में या फिर कोकोनट वाटर में, यानी कि नारियल पानी में रख के लेके जा सकते हैं। अब आप जैसे अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, तो अगर वो दांत प्रॉपर कंडीशन में होंगे तो डेंटिस्ट उसका प्रॉपर एक्सरे वगैरह लेके और उस दांत की स्प्लिंटिंग करके उसको वहां पे कुछ टाइम के लिए प्लेस करेंगे। और कुछ टाइम के बाद अगर नीड हुआ तो उस दांत में रूट केनाल भी आपके डेंटिस्ट करके उस दांत को सेव कर सकते हैं। अब ये जो हमने बात की, ये परमानेंट दांत की थी, यानी कि 7 साल के बाद जो बच्चों में परमानेंट दांत आता है उसके बारे में बात की। बट अगर इस टाइप की इंजरी डेसिडुअस दांत यानी मिल्क टीथ में हो जाए, यानी कि जन्म से लेके 6 साल के बीच में जो बच्चों के दांत होते हैं, अगर उसमें हो जाए तो वापस उसको रीप्लांट नहीं किया जा सकता। फिर बात आती है कि अगर आपका बच्चा खेलते खेलते गिर गया और उसका आधा दांत टूट गया है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि वो टुकड़ा कहाँ गया है, और ये बात भी परमानेंट दांत के बारे में ही मैं आपको बता रही हूँ। अगर वो टुकड़ा टूट गया है और एज इट इज कंडीशन में आपको मिल गया है, तो वही एज इमीडिएट हमें अपने डेंटिस्ट के पास रश करना है। काफी बार उस टुकड़े को कई बार फिलिंग की हेल्प से उसको वापस चिपकाया जा सकता है, और अगर नहीं चिपकाया जा सकता तो अगर वो दांत ज्यादा टूट गया है तो आपके डेंटिस्ट इमीडिएट उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, और जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाएगा तो उसमें कैपिंग भी करते हैं। फिर बात आती है कि अगर दांत आपको दिख ही नहीं रही है, सॉकेट में कुछ भी नहीं दिख रहा है, टूटा हुआ भी नहीं दिख रहा है और नीचे भी कहीं पड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, तो पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं कि वो दांत मसूड़े के अंदर चला गया है, यानी कि गम में पेनिट्रेट कर गया है। इसको हम इंट्रूजन इंजरीज कहते हैं। पर ऐसा ज्यादातर दूध के दांतों में होता है, क्योंकि दूध के दांतों की जड़ें बहुत छोटी होती हैं, तो उसके पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि वो मसूड़े के अंदर चला जाए। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे कि हम अपने डेंटिस्ट को विजिट करेंगे और डेंटिस्ट उस दांत की एग्जैक्ट लोकेशन एक्सरे के अंदर फाइंड आउट करेंगे। और इसमें ज्यादातर वेट एंड वॉच थेरेपी हम अप्लाई करते हैं, मतलब हम वेट करते हैं कि वो अपने आप दांत टाइम के साथ बाहर आ जाए, क्योंकि दांतों की टेंडेंसी होती है कि वो धीरे 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 टाइम के साथ मसूड़े से बाहर आते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कई बार उन केसेस में वहां से मसूड़े को हल्का सा इंसिजन देके हटाया जाता है और उस दांत को बाहर आने के लिए स्पेस बनाया जाता है।
वहीं अगर परमानेंट दांत के साथ ये कंडीशन हुई है कि वो थोड़ा सा मसूड़े के अंदर चला गया है, तो उसमें भी ज्यादातर वेट एंड वॉच करना पड़ता है कि वो टाइम के साथ बाहर आ जाए, और नहीं आया तो कई बार ब्रेसेस बांध के या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के द्वारा उसको बाहर लाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर जब भी कभी आपके किसी बच्चे को चोट लग गई है, तो सबसे पहले हमें पैनिक नहीं होना है, और दूसरा चेकआउट करना है कि आप दांत की वजह से कहीं होंठ में या टंग में कहीं चोट तो नहीं लगी है, क्योंकि काफी बार टंग या फिर अपना लिप बाइट करने में आ जाता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहला चीज, साफ कॉटन लेके या साफ कॉटन क्लोथ लेके हमें उस एरिया को प्रेस करना है। आप प्रेस करेंगे तो ब्लीडिंग वहीं स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स ब्लीडिंग देखते ही पैनिक हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 60 मिनट्स के अंदर अंदर हमें अपने डेंटिस्ट के पास पहुंचना है, ताकि उस टूथ को सेव किया जा सके। तो आई होप मेरा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, और इससे रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर ओरल हेल्थ, एंड ब्रश ट्वाइस अ डे।